चलो सा बुलेटिन की शुरुआत करा एक चौकाबा वाली खबर सागे जिको खुलासो कोरोना काल माया बेवियो है अठे राज्य राज सात संभागा माए 269 डॉक्टर और इके सागे ही 295 मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी सु गायब है और आ क्यों गायब है इकी जानकारी खुद स्वास्थ्य विभाग ने भी कोनी। आपने बता देवा कि अगर बात करा अजमेर री तो अठे भी दो जो डॉक्टर है बा ड्यूटी सु गायब है तो अठे ही एड मामला ने रेर जन स्वास्थ्य सेवा ने निर्देश दियो है सगड़ा पीएमओ और सीएमएचओ सु तथ्यात्मक रिपोर्ट अठे मांगी गई है। इके सागे ही मोड़ा और अधूरी सूचना देबा वाला माथे संबंधित पीएमओ और सीएमएचओ रे खिलाफ अठे कार्रवाई रो भी निर्देश दियो गयो है। तो बटे ही अजमेर सीएमएचओ के सोनी बताया कि जिला रा दो डॉक्टर घड़ा पहला सु गायब है। कोरोना काल में नहीं, हमारे तो पुराने ही दो चिकित्सक हैं जो 2018 या 19 से अनुपस्थित चल रहे हैं, ये सूचना राज्य सरकार को दी गई है। बाकी अभी कोई लंबा अनुपस्थित कोई भी चिकित्सक नहीं है। उनको नोटिस वगैरह दिया जाएगा? उनको नोटिस दे दिए गए हैं राज्य सरकार को, उनको बता दिया गया है, उनका रिकॉर्ड दे दिया। अभी रिपोर्ट भेज दी गई है तो राज्य सरकार द्वारा जो भी नियम से कार्रवाई वो की जाएगी। और अभी बात करा चोखी खबर रही तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर माथे बसोड़े जैसलमेर जिला रो आखरी गांव है कर्रा। मारवाड़ी माए एक मतलब होवे है कठिन। नामरी तरिया अबे अठे रेबा वाला जो मिणक है बाका जीवन भी घड़ों ही कर रो है और गावरा कने सगड़ा बुजुर्ग जो है वह अशिक्षित है, पर बावजूद इके बाकी जागरूकता और अनुशासन देखने ही बने हैं और इंडिरो नतीजो है कि हाल ताय अबार ताय अठे कोरोना री एंट्री कोनी वे पाई है जो वो कर्रा सु संवाददाता सूर्यवीर सिंह तवर री अविगत। प्रदेश में लगातार कोरोना रो कहर है जो सीमावर्ती क्षेत्र रे साथे साथे प्रदेश रे कई गांव ढाणियार में कोरोना रो कहर जमायो उरे साथे साथे सीमावर्ती जिले जैसलमेर कई एड़ा गांव है जो ग्रामीण और जागरूकता रे पाछे गांव में कोरोना नहीं पहुंच पायो और गांव है जो 100% वैक्सीनेशन भी वहाँ करवाया जा चुका है। आप देख सकते हैं हम इस समय खड़ा जैसलमेर करड़ा गाँव में, जहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से जो है ग्रामीण और जो जागरूकता है वो ग्रामीण और जागरूकता इस वास्ते देखी जावे कि वो 100% वैक्सीनेशन भी करवायो और साथे साथे गांव रे महीना है जो कोरोना रोग एक भी है वो केसेस नहीं आयो। अब हम सबसे पहले जो जिला परिषद रा सदस्य है उनसे बात करा किन तरीके से लोगों ने जागरूक कियो गयो क्योंकि ठेठ गांव में जो कोरोना रोग कह रहे नहीं पहुंच पायो तो कितो बेमिसाल है ए कहो जा सके के कोरोना काल सुनते ही लोगों ने नर्स टीचर गांव में जाकर जागरूक किया लोगों ने कि भाई ये कोरोना काल ऐसा काल है जो लोग टीका लगाओ, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ और 2 गज की दूरी रखो, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और आगे भी हमारे भविष्य में अच्छा होगा। गांव की बात करें तो करड़ा गांव, अपने गांव में हालांकि देखे जावे तो हमारा ऐसा करड़ा गांव है, ग्रामीण क्षेत्र से हुए गांव से जुड़ा है। वहाँ के लोगों ने जो जागरूकता दी है वो एक बड़ी मिसाल है। वहाँ देखा जाए तो हर युवाओं ने मतलब जो भी है वो वैक्सीन टाइम पे कर दी है और टीकाकरण भी टाइम पे हो गया, नर्सिंग स्टाफ है, टीचर्स वगैरह सब ने। किन तरीके से जागरूकता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई? देखो सर, गाँव रे महीना आप ना बहुत बड़ी उपलब्धि बताऊँ कि ये महामारी रे कोरोना रे महामारी रे महीना महान गाँव रा लोग इतना जागरूक हुआ। वहाँ ना जागरूक करने वास्ते वो थोड़ा पूर्व सरपंच कमल कंवर जी है और वो थोड़ा जितना भी टीचर सता अध्यापक है, वो थोड़ा जो को नर्स है, जो को एएनएम जो को लागोड़ी है, वो थोड़ा जनप्रतिनिधि है, गाँव ना इतना जागरूक किया कि जो को कोरोना सा तो बिल्कुल आज तक एक पॉजिटिव केस भी नहीं आयो और उरे साथे साथे बीजा लोग डरता था कि यह वैक्सीन इस्तेमाल नहीं किया जाए तो हमारे गांव सबसे पहले गुरु वैक्सीन बढ़ चढ़ कर भाग लियो। आज एक भी 18+ और 45+ का एक भी व्यक्ति नहीं है जिनके वहाँ नहीं लगा, सब लग चुकी है। आज भी जो जिला परिषद रा जो सदस्य है या अन्य पंचायत रा सदस्य है जो लोगों ने जागरूक करे कि कोरोना गयो को है अपना जागरूक है और यहाँ बनाए रखनी है। सहयोगी तन में बिसारे साथे सूर्यवीर सिंह तावर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। रुकरा चूरू लो तो अठे तारानगर पंचायत समिति री तरफ सु 1 लाख हरा पौधा लगा रे क्षेत्र ने हरो भरो बनावा रो काम कियो गयो है। आज पंचायत माए बिलखा और मेघसर गांव माए लुगाया री और लाड़कियां जो है बा आगे आई है और बाने पौधो लगायो है और बाकी रख रखाव री जिम्मेदारी भी लेनी है। आपने बता दे वहां की विकास अधिकारी संत कुमार मीणा हर पंचायत रो दौरो करने ग्रामीण ने अठे प्रेरित कर रहा है और इन मौका माथे गाँव वाला सुबंतल की ना संवाददाता संजय।
हरियाणा राजस्थान और तारानगर हरित क्रांति के नाम पर तारानगर के अंदर पंचायत समिति विकास अधिकारी है संत कुमार मीणा के नेतृत्व में और विधायक के नरेंद्र बुढ़ानिया के आदेशानुसार 1,00,000 पौधा लगाने को कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया गया। गांव रे सभी लोगों में ये अभियान लेगी उत्साह को माहौल है। माताएं बहने बहुत उल्लास से राजस्थानी गाना गा करके पौधे लगा रही हैं। ग्रामवासियों में बहुत उत्साह है इसमें पौधे वगैरह और चुरू रेगिस्तानी जैसे मरुस्थल एरिया देखते हुए भी यहाँ लोगों को ये अभी कोरोना काल में भी लोगों को ये बड़ी विकट परिस्थिति हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप लोगों ने सबने देखा। तो ये पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और ऑक्सीजन एक आवश्यक मानते हुए तो उसमें पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। सभी लोगों ने ये ठान लिया है, सभी ने शपथ ली है और जो महिला और जो बच्चियां है सब मिलके है जो को तारानगर ने हरे भरो बनाने की कोशिश करी है। इस प्रकार अगर राजस्थान में चलती रही तो आना समय राजस्थान है वो मरुस्थल की बजाय हरे भरो राजस्थान के रूप में जाने जाएगा। चूरू पश्चिम इंडिया से संजय प्रजापति। जयपुर में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम अठे आयोजित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी री 150वीं जयंती समारोह मौका माथे अठे आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला मुख्य सचेतक महेश जोशी भी शिरकत कीना और पौधारोपण कीना। महात्मा गांधी जी के 150वें वर्ष के अवसर पर कई कार्यक्रम हुए लेकिन ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम जैसे गांधी जी बहुत पसंद करते थे, ये हमको प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो ग्रहण करते हैं, इसके कारण पर्यावरण जो है वो प्रदूषण मुक्त होता है। इसलिए पेड़ों का लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा अभी कोरोना की महामारी आई तो उस समय ऑक्सीजन की कमी लोगों में महसूस हुई और ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ी, ये हमको नेचुरल ऑक्सीजन देते हैं तो इसलिए पेड़ों का लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगेंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे और गांधी जी हमेशा कहते थे अस्त्र रहो व्यस्त रहो मस्त रहो और स्वस्थ रहो, तो ये स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। पेड़ों की कमी से ऑक्सीजन की कमी होती है, पेड़ों की कमी हो तो कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। ये पेड़ हमारी हर तरीके से रक्षा करते हैं, हमें जीवन देते हैं, बहुत सारी दुष्प्रभावों से हमारी रक्षा करते हैं। बिना पेड़ के सृष्टि का सोचा ही नहीं जा सकता, तो पेड़ लगाना हम सबकी जिम्मेदारी है, पेड़ों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम जितना पेड़ लगाएंगे उतना अपने भविष्य को सुनहरा करेंगे। और खासकर ये जो कार्यक्रम है वो बापू की 150वीं जयंती पर किया गया है, इसका कितना महत्व है? देखिए मैं बापू को नमन करता हूँ। शायद कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर बापू ने नहीं लिखा हो, जिसके बारे में बापू को ज्ञान नहीं हो। विज्ञान से लेकर पुरातन इतिहास तक हर विषय पर महात्मा गांधी ने लिखा है। जितना पूरे जीवन में कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता उससे ज़्यादा महात्मा गांधी ने अपने जीवन में लिखा है। तो महात्मा गांधी ने पेड़ों के बारे में लिखा है, पर्यावरण के बारे में लिखा है, नैतिकता के बारे में लिखा है, विज्ञान के बारे में लिखा है, धर्म के बारे में लिखा है और उनकी जो सोच रही आज दुनिया देख रही है कि जिस तरीके से बापू की जो सोच थी वो सोच आवश्यक है और हम अगर बापू की सोच पर चलेंगे बापू के सिद्धांतों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत शानदार हम वसुधा की हम दुनिया की कल्पना कर सकते हैं, हम उस ओर बढ़ सकते हैं। देखिए ये जो COVID-19 है ना, ये प्रकृति और वृत्ति मानवीय वृत्ति इसमें जो दूरियां पैदा हुई हैं उसके कारण इस बार ऑक्सीजन की कमी में लाखों लोग मरे। यदि हम पहले से जंगल लगा के रखें तो ना तो ऑक्सीजन की कमी हो और ना फिर कोविड जैसा वायरस इफेक्टिव हो। हमारे आश्रम में जो जंगल है वहाँ साला कोविड आता ही नहीं है, 2 बार आ चुका वहाँ कोविड का असर नहीं होता। सरिस्का के जंगलों में आज तक एक मरीज कोविड से ग्रसित नहीं हुआ, 8 गांव अभी उसके अंदर हैं। तो ये जो जंगल है ये जो एटमोसफेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड है और मानवीय स्वास्थ्य के लिए जो भी हानिकारक जीव और निर्जीव वायरस हैं उनको ये प्रभावी नहीं होने देता, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
राजपक्षे गोडावण रे संरक्षण सारू सरकार की तरफ से करोड़ों रुपया खर्च वे चुका है, पर गोडावण ने बचावा री सगली कोशिश अठे नाकाम वेरी है। तो बटे ही गोडावण रे खरी संख्या ने लेर जिम्मेदार मिणक भी इके बिनके कने भी अठे जानकारी कोनी है। और जानकारा री माना तो अठे गोडावण री गड़ती साल में दो बार वेणी चाहिए, बल्कि अठे तीन साल होबा जा रहा है, पर अबार ताई कोई गड़ती कोनी भी है। और गोडावण बचावा सारू काम कर रहा विशेषज्ञ अगर बाड़ा तो अबे 50 से भी कम गोडावण बचा हुआ है। देखो फर्स्ट में हर साल हमारी गणना होती है, जितने भी वन्य जीव है सभी गणना होती है। इस बार कोरोना की वजह से गणना रोकी थी, मैं जैसे ही कोरोना का खत्म होगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम गणना करेंगे और सही तथ्य आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। गोडावण की गणना विशेष रूप से जो एक साइंटिफिक पद्धति अपनाई गई थी 2014 से, उसके द्वारा जो अंतिम गणना हुई है जो कि राजस्थान वन विभाग और जो अपना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून है उसके साथ मिलकर अंतिम गणना 2017 में की गई थी, जहां कि वृहद रूप से पूरे जैसलमेर ज़िले, उसके साथ साथ अपना थोड़ा सा जोधपुर ज़िले का भी हिस्सा, जहां जहां गोडावण का प्रवास रहता है या पूर्व में उसकी जानकारी रही थी वहां पे उस पूरे क्षेत्र में बहुत ही वृहद रूप से ये एक्सरसाइज की गई थी। और तब यह हमारे पास जो संख्या लगभग 150 की निकल के आई थी गोडावण की, उसके बाद से दुर्भाग्यवश यह गणना दोबारा नहीं की जा सकी अभी तक। सरकार के प्रयास इस ओर जारी है कि हम पुनः ये गणना अतिशीघ्र करा सकें। कोटा रे नांता बड़रा बस्ती इलाका माए लाड़ली रात दो गुटा माए खूनी संघर्ष वे गयो, जिन माए तीन मोटियारा माथे अठे चाकू सरिया धारदार हथियार सु हमलो कर दियो गयो, जिके पाछे तीना घायला ने MBS अस्पताल माए भर्ती करवायो गयो है, जिन माए सु एक री हालत अबार नाजुक बताई जा रही है। घटना री सूचना पाछे CI DSP सहती कई पुलिस अधिकारी मौका माथे पू गया। और अबार झगड़ा रे कार्डा रो अठे पतो कोनी चालो है, पर बतायो जा रहे है कि अवैध शराब रे कारोबार डे लेर पुरानी रंजिश चाल रही, जिके तहत वो हमलो कियो गयो है। अबार कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले री जांच कर रही है। बात करा अलवर जिला री तो अठे आलमपुर गांव बाए जहरीलो पानी पीबासु छह लुगाया बेहोश वेगी, जिन मायसु एक री अठे मौत भी वेगी है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला हरियाणा रे फिरोजपुर झीरका री रहबा वाली ही, तो भटे ही लुगाया री हालत बिगड़बा पाछे तीन ने अलवर रे राजीव गांधी सामान्य अस्पताल माय भर्ती करवायो गयो है, जबकि एक ने अठे बालिका गीतानंद शिशु अस्पताल माय भर्ती करवायो गयो है। आवातार है कि इन मामला ने लेर अबार ताए नौगावा पुलिस थाना माए कोई भी मामलो दर्ज कोनी वियो है। खबरों का सिलसिलो लगातार जारी है, पर अठे लीवा एक छोटो सो थ्यावस थ्यावस पाछे बेगा ही आम। थ्यावस पाछे घणो स्वागत है सा। जयपुर रे चौमूसो खबर है, जठे रोडवेज डिपो रो वीडियो अठे वायरल वेरियो है। एडमाए दो मोटियारा री कुटाई वेती भी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि आ दोनों जेब कतरा रे जेब काटबा रे फिराक बाए रबड़ रहा है, पर रोडवेज डिपो माथे तैनात एक महिला कर्मचारी ने दोनों ने धर दबोचो। अरबी के पाछे री आ तस्वीर है, दोनों ने करे चोरी री जो रुपया है वो भी इनसु बरामद की गई है। सीकर माए सिटी डिस्पेंसरी नंबर दो रे कने दो गुट माए झगड़ो पे क्यों, मारपीट माए तीन जना अठे जख्मी व्या है, तो बटे ही घटना रो CCTV फुटेज भी अबे सामने आयो है। पुलिस रो कहनो है कि CCTV फुटेज रे आधार माते कार्रवाई की जासी, और घटना लाली रात्रि बताई जा रही है। जगह पर पुलिस ही पहुंची है, पंकज है एक, तो एक मुरारी है, एक फारूक है, तीन लोग जिन्होंने में चोटें आई है और मुकदम दर्ज किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और इन मौका माथे देश ने संबोधित करता विया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कि जद एक बगैर दिखबा वाले वायरस ने कोरोना ने दुनिया माए दस्तक दियो, बिन बखत किनी भी देश कने भी लड़बा सारू साधन समर्थ और मानसिक अवस्था तैयार कोनी है, पर एरा टाइम माए योग आत्मबल रो मोटो साधन बढ़ो।
पीएम मोदी क्या कि 1.5 साल में भारत सहती कई देशों ने घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। कोरोना रे मुश्किल बखत माए भी मिणक योग ने आसानी सु भूल सकता हा, पर मिणखा माए योग रो छाव बण्यो रहो। अरे योग सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक रूप सु चुस्त और दुरुस्त भी करे है। पीएम क्या कि योग माने स्ट्रेस सु स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी सु क्रिएटिविटी रो रस्तो दिखावे है। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। रुकरा बाड़बे रोज अठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौका माथे 142 वाहिनी परिसर माए योगाभ्यास कियो गयो, जिन माए वाहिनी रा अधिकारी और जवान भी शामिल भया। इन दौरान कमांडेंट राज्यपाल सिंह और योगाभ्यास रा फायदा ने लेर चोखी जानकारी दीना। वो बताया कि योग रे जरिए सामंजस्य और शांति प्राप्त की जा सके है। इन दौरान अधिकारियां और कर्मचारियां ने कनेर, कंजरा, पीपल, नीम सहती कई पौधा भी लगाया। तो बटे ही कार्यक्रम समाधिष्ठ राज्यपाल सिंह नेतृत्व में आयो। आज 21 जून 2021 को गैलेंट 142 सीमा सुरक्षा बल परिसर में विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इसमें पतंजलि से प्रशिक्षकों को बुला करके सीमा प्रहरियों के परिवार के सदस्य एवं स्थानीय आवासियों को योग के द्वारा योग का जीवन में महत्व और योग के द्वारा कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है के लिए यहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम हमने किया है। और चलो सा हमारे सागे हमारी बुलेटिन बाय इतरो ही अभी मड़े देवो जाजत, पर आप जोता रहो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ खमागड़ी सा।